हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे किचन स्वाति किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए पालक की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। चाय और दूध मैंने उबाल लिए हैं और ये उड़द की दाल है जो मैं गला देती हूँ आधे घंटे के लिए पानी में। पालक को मैंने अच्छे से तोड़ के साफ कर लिया है, पानी में धुल लिया है, पानी धुल धुल के काट लिया है। पालक कट गई है। पालक की दाल भी धुल गई है। अब जो कुकर में डाल देंगे, पालक भी डाल देंगे और इसमें सारे मसाले भी डाल देंगे, हल्दी, नमक, खटाई, आम की जो खटाई होती है उससे बनाएंगे ये दाल, वो टेस्टी लगती है। डाल के पानी डाल के अब इसमें पानी डाल देंगे, बंद कर देंगे। पालक की ये दाल बहुत टेस्टी लगती है। दाल बन आटा सान लिया है मैंने और ये है धनिया और हींग और जीरा और लहसुन, इस सब से तड़का लगाएंगे दाल में। अब इसको काट लेंगे, अदरक भी काट के थोड़ा सा घिस के तड़के में डालने के लिए। एक मिर्चा ले लिए हैं। दाल को फ्राई करेंगे। दाल पक गई है। गैस में तेल डालेंगे। अब तेल गर्म हो गया है, उसमें लहसुन पहले डालेंगे, पहले जीरा वीरा, बाद में थोड़ा सा लहसुन पक जाए तब, नहीं तो जीरा जल जाता है, हींग हींग सब जल जाएगा। पहले मैं ऐसे बनाती हूँ, थोड़ा सा पक जाए तो उसके बाद जीरा वीरा भी डालेंगे। अब पक गया है थोड़ा सा, उसमें जीरा, हींग, धनिया डाल देंगे और लहसुन और मिर्चा और अदरक भी डाल देंगे। अच्छे से भून के पकने के बाद अच्छे से तड़का पक गया है। अब दाल में इसको बघार देंगे। अब इसको मिक्स करके टेस्टी सी दाल बनके तैयार।